तो जैसे कि हमारा ये चार्जर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्सयू चार्जर है, तो हम अगर बात करें यहाँ पे ये अभी दूसरी न्यूट्रल की सप्लाई है, न्यूट्रल देख सकते हैं, न्यूट्रल भी ये लाइन में दो कॉइलें होती हैं, एक देख सकते हैं ऊपर एक नीचे, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग की एक कॉइल से होता हुआ कॉइल के दूसरे से ऐसे सीधे हमारा दोनों स्विचिंग मॉस्फेट के हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक उत्तर नगर ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ई रिक्शा का जो एक्सयू चार्जर है उसके बारे में आपको बताएंगे कि हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, कैसे इसमें कितने प्रकार के सेक्शन होते हैं, और सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक्सयू चार्जर में सेक्शन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद उसकी हम आपको ट्रेसिंग बताएंगे, कुछ अभी एक दो सेक्शनों के बारे में हमें बताते हैं, थोड़ा मोटा मोटा देख सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ये चार्जर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्सयू चार्जर है, तो हम अगर बात करें यहाँ पे ये फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये दो एनपीसी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये एमओवी हमारा है, यहाँ एसी 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप फ्यूज है, तो ये 78/12 आईसी सेक्शन है हमारा, ये मेन ट्रांसफॉर्मर है जहाँ से 60 वोल्ट आउट होते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ड्राइवर सेक्शन के दो ट्रांसफार्मर है, यहाँ हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एनपीएन और पीएनपी, ये 35-25 आईसी यहाँ पे लगा हुआ है इधर, तो ये रिले सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है, तो ये हमारा लॉजिक कार्ड है, मेन आईसी है यहाँ पे 324 आईसी है, ये बैटरी को फुल चार्ज होने पर कट करता है और लो बैटरी को सेंस करके हमारा बैटरी को फुल चार्ज करता है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कैसे पहचान होगी चार्जर कि कौन सा सेक्शन कैसे है। यहाँ से अगर हम देखें कि ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ बीच में जो दिख रहा है कट आपको हाफ चार्जर का, ये हाफ साइड जो इतनी इतनी दिख रही है, ये हमारा एसी डीसी सेक्शन है, यहाँ पे आपके ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एसी सप्लाई चेक करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ साइड में रखते हैं बी ब्रिज पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ फ्यूज है, और ये यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, कॉइल के बाद मैं कॉइल दिखाता हूँ, यूली कॉइल, फिर आगे ये हमारा एनटीसी लगा हुआ है यहाँ पे, एनटीसी के द्वारा ये ब्रिज एक्टिवर के बीच में लाइन चलेगी हमारी, फेस जो होता है हमारा 220 वोल्ट का, ये ब्रिज एक्टिवर लगा हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट, इसके बीच वाले दोनों पिनों पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई आती है यहाँ पे। अभी दूसरी न्यूट्रल की सप्लाई है, न्यूट्रल देखते हैं, न्यूट्रल भी ये लाइन में दो कॉइलें होती हैं, एक देख सकते हैं ऊपर एक नीचे, ये लाइन यहाँ से आगे दिख रही है आपको, यहाँ से एनटीसी लगा हुआ है, ये दूसरे टांग पे ब्रिज एक्टिवर की दूसरी पिन पे सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई पहुँच गई है, और 220 वोल्ट यहाँ पे बिल्कुल पहुँच गई है। यदि 220 वोल्ट हमारी ना पहुँच रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो हम यहाँ पे अगर चेक करें कि अगर यहाँ पे कोई रीडिंग आ जाती है, तो समझ लीजिए हमारा ब्रिज एक्टिवर हमारा खराब है, लीकेज है, यदि यहाँ रीडिंग आ गई, क्योंकि एसी 220 वोल्ट लाइन और न्यूट्रल के बीच में सप्लाई नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे 220 वोल्ट लाने के लिए बीच में एक एनटीसी लगा रहता है, दो एनटीसी दोनों लाइन और न्यूट्रल में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लैक कलर के दो लगे हुए, एक ये दोनों बीप करते हैं, अगर ये बीप ना करें तो ख़राब हो जाते हैं, इनका दोनों का काम ये होता है कि लाइट फ्लक्चुएशन होने पे ये उड़ जाते हैं, ज़्यादा लाइट ऊपर नीचे हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए एकदम से। तो बाकी आगे हमारे यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई बनती है, ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ से देखिए होते हुए, ये हमारा जो स्विचिंग मॉस्फेट होता है, एक दो तीन तीन टांगों वाला गेट ड्रेन सोर्स, सोर्स को ग्राउंड किया हुआ है, तो जो दूसरा स्विचिंग मॉस्फेट है, एक दो तीन तीन टांग लगी हुई है गेट ड्रेन सोर्स,
इसकी जो प्लस सप्लाई है हमारी ब्रिज एक्टिवर की जो कि हमारे ड्रेन पे आती है, देख सकते हैं। और बीच में इसका इस वाले पहले मोसफेट का सोर्स और दूसरे मोसफेट का ड्रेन आपस में जोड़ दिया जाता है सीरीज में। अब हम बात करते हैं कि ये जो गेट है मोसफेट का, इसको ट्रेस करते हुए हम पीछे जाएंगे कि ये हमारा जो मोसफेट लगेगा कैसे। फिलहाल ये दो कंडेंसर लगे हुए हैं, ये दिखाते हैं आपको, ये देखेंगे। ये ब्रिज एक्टिवर की प्लस से माइनस तक, फिर माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, ये दो कंडेंसर लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये सेल की तरह जो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी मोसफेट के गेट को देखेंगे, ये कहाँ से सप्लाई आ रही है, देखिए ये यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ से हम गेट को चेक कर रहे हैं, तो ये गेट यहाँ तक आ रहा है। ट्रांसफार्मर की इस कॉइल पर आते हुए ट्रैक दिख रहा हमें, दूसरी कॉइल से ये यहाँ से निकलेगा, देखिए ये हमारा आ गया दोनों मोसफेट के बीच में। यानी कि ये जो हमारा गेट है ये इस वाले ट्रांसफार्मर ड्राइवर सेक्शन से होता हुआ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसकी, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग की एक कॉइल से होता हुआ कॉइल के दूसरे सिरे से सीधे हमारा दोनों स्विचिंग मोसफेट के सोर्स और ड्रेन का जो कनेक्शन है उनके बीच में जुड़ा हुआ है। अब हम दूसरे मोसफेट के गेट का ट्रैक चेक करेंगे, देखिए ये ट्रैक यहाँ से देख सकते हैं जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे फ्यूज रजिस्टर लगी हुई है 4.7 ओम की फ्यूज रजिस्टर है। तो ये जो फ्यूज रजिस्टर है हमारी, ये कॉइल के इस सिरे से होते हुए कॉइल के दूसरे सिरे से बाहर निकलती है, ये देख सकते हैं आप, और ब्रिज एक्टिवर के लगी। तो ये हमारा जो सर्किट ट्रेसिंग जो है वो हमारा एसी डीसी का सर्किट ट्रेसिंग है। तो एसी डीसी की सर्किट ट्रेसिंग जो इतनी ही होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा कैसे चार्जर को हम कंट्रोल करते हैं, कैसे इसको चेक करते हैं चार्जर को। तो अभी हम आपको इस सेक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो अभी हमारा ये दूसरा सेक्शन जो है ये डीसी सेक्शन है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये हमारा एसी डीसी सेक्शन है। तो हमने आपको इसकी ट्रेसिंग बताई आज इतनी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डीसी सेक्शन की ट्रेसिंग के बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये जो हम बता रहे थे आपको एसी डीसी सेक्शन के बारे में, तो ये हमारा डीसी सेक्शन है। तो आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक समाप्त होती है। तो यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यहाँ फ्री डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं अगर आपको हमारे यहाँ पर ज्वाइन करना है, कोर्स सीखना है इन विषय का। तो और भी कोर्सेज हमारे यहाँ करवाए जाते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, एलईडी टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, हमारा एसी पीसीबी का कोर्स हो गया, आरओ हो गया, माइक्रोवेव, और तो ऐसे वो भी काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। टीवी का हमारा कंट्रोलर है, बाइक का है, इन्वर्टर का है। तो फ्री डेमो क्लासेस के लिए हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।